अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और हम इस वक्त मौजूद हैं मेरी वेब डेवलपमेंट की क्लास में, वेब डेवलपमेंट की जो ऑनलाइन क्लास हो रही है। अच्छा, और मैंने इन स्टूडेंट्स को कुछ टास्क दिया था, तो अब देखते हैं ज़रा कि इन्होंने क्या बनाया है। अच्छा, ये आ गए हमारे पास। ये मैं आपको ज़रा इनकी शक्लें दिखा दूँ। ये वो सारे लोग हैं जो इसमें एनरोल्ड हैं। अच्छा, और अब मैं आपको इनके ये इन्होंने असाइनमेंट सब लोगों ने सबमिशन किए। अच्छा, तो इनमें से जो अच्छा जिन्होंने बनाया उसका ज़रा हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या किया। अच्छा, वेदर ऐप का असाइनमेंट था। अच्छा, ये मैंने कराची लिखा और एंटर दबाया तो ये कराची का डेटा आ गया वेदर का। अच्छा, और ये रियल डेटा है। इनको मैंने ये API बताई थी, जैसे अगर मैं इसमें लाहौर लिखूँगा तो ये लाहौर में इस वक्त बारिश हो रही है और 30 डिग्री चल रहा है और मॉडरेट और हैवी रेन। ये अच्छा, ये रियल डेटा आ रहा है सारा। अच्छा, ये नौमान वसीम है। अच्छा, नौमान वसीम क्या आप मौजूद हैं? नौमान वसीम अगर आप मौजूद हैं तो अपना माइक खोल के ज़रा अपने बारे में कुछ बताएं। वालेकुम अस्सलाम, मौजूद हूँ। अच्छा जी, तो ज़रा अपने बारे में कुछ बताएं, कैसा रहा अभी तक का सफ़र आपका? ये जो आपने असाइनमेंट बनाया इसमें कोई हर्डल्स का सामना हुआ, कोई मुश्किलात हुई? सर, जैसे कि आपने पढ़ाया उसके लिहाज से जो है असाइनमेंट, मतलब आपने कहा था कि सबमिट कराना है तो वही सर एप्लीकेशन फॉलो बनाइए ना। बाकी आपने जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि किस तरह API को यूज़ करना है, तो उसी तरह सर उसको यूज़ किया है। ठीक है। बाकी सर मेरा बैकग्राउंड जो है वो बेसिकली इससे नहीं है, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड है और आप पहली दफा प्रोग्रामिंग आपने मेरी क्लास में पढ़ी है और माशाल्लाह आपने इतनी अच्छी ऐप बना ली। वेल डन यार, गुड। थैंक यू। अच्छा, अब हम देखते हैं जरा। अच्छा, वैसे सब लोगों का असाइनमेंट मैंने यहाँ पे नहीं खोला, जिन्होंने थोड़ा अच्छा बनाया उनका उससे ओपन किया हुआ है। अफजल अहमद है ये, और ये इनका जरा। अच्छा, ये URL बाई द वे रियल URL है, ये होस्टेड है, कोई भी इसको ओपन करना चाहे तो ये ओपन भी कर सकते हैं जाके। अच्छा, ये पहले नौमान वसीम का जो URL था वो ये है। ठीक है, तो ये लाइव है इंटरनेट पे, कोई भी इसको चाहे तो जाके ओपन करके देख सकता है ये ऐप। अच्छा, सिटी ये अफजाल अहमद का है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे आके लिखा कराची और गेट वेदर दबाया तो ये कराची का डेटा आ गया। अच्छा, लाहौर अगर लिखता हूँ मैं एंटर। अच्छा, एंटर पे काम नहीं कर रहा ये। अच्छा, ये लाहौर का डेटा आ गया हमारे पास, क्या बात है जी, वेल डन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कंट्रास्ट का इशू है, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, ये टेक्स्ट भी है ना लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो ये अफजल इसको आप इम्प्रूव कर लीजिएगा। अच्छा, अफजल अहमद है मौजूद है क्लास में? अच्छा अफजाल अहमद, ये असाइनमेंट बनाने में आपको कोई मुश्किलात का तो सामना नहीं हुआ? ये सारा आपने कोड खुद लिखा है माशाल्लाह से? जी हाँ, इसमें मैंने खुद लिखा है। इसमें मुश्किल इसलिए नहीं हुई कि हम इसको एक प्रॉपर वे में पढ़ते हुए आ रहे हैं इस क्लास में। पहले HTML, सिंपल HTML, फिर CSS HTML के साथ, फिर बेसिक जावा स्क्रिप्ट, और फिर ये तीनों का कम्बिनेशन, तो अरेंज स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ रहे हैं तो बड़ी आसानी हुई, और मुश्किल से 2-2.5 घंटे के अंदर ये मैंने बना लिया। अच्छा, जरा अपने बारे में बताएं, अपने बारे में जरा बताएं, बैकग्राउंड वगैरह क्या है आपका और क्या करते रहे आप? अच्छा, मैं वैसे फिजिक्स बैकग्राउंड से हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन तो मास्टर्स है। मैं फिजिक्स पढ़ चुका हूँ और पढ़ाता हूँ, और प्रोग्रामिंग, एक बेसिक प्रोग्रामिंग का मेरा बैकग्राउंड है, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट है, लेकिन एप्लीकेशन डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैंने नहीं की इससे पहले, कोई एप्स वगैरह नहीं बनाए हैं, तो वो इसी कोर्स में, यानी कि पिछले एक सवा एक महीने के बाद छोटे मोटे ऐप्स सब मैं बनाने लगा हूँ। अच्छा, तो ये जो हमारा कोर्स शुरू हुआ है, अगर किसी को एग्जैक्टली याद है किस तारीख को शुरू हुआ था कोर्स हमारा? 17 मई को स्टार्ट हुआ था गालबन, तो अभी जून और जुलाई तकरीबन 1.5-2 महीने होने वाले हैं इस कोर्स को, 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट। अच्छा, तो 2 महीने में आपने माशाल्लाह यार बड़ा अच्छा आपकी प्रोग्रेस है। अच्छा, कोई अगर आपको हायर करना चाहे कराची में होते हैं आप? जी हाँ, मैं कराची में होता हूँ। अच्छा, तो ये आपका गिटहब भी मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ।
github.com/ और ये आपका URL है। अच्छा ये इनकी GitHub है। अच्छा आपने अपने GitHub में ये जो नंबर लिखा हुआ है ये ऑन है आपका, इस पर कोई कॉन्टेक्ट करे आपका? ये नंबर तो ये इनका पब्लिक जो है ना नंबर है, कोई भी इनको हायर करना चाहे इंटर्नशिप वगैरह कुछ भी तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा जी अब हम चलते हैं और आगे। अब हमारे पास है आतिफ उमर, वेल डन यार, क्या बात है, ये आतिफ उमर ने बनाया है, ज़बरदस्त, वेल डन यार। अच्छा इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अच्छा ये URL है, इसको कोई भी चाहे तो जाके ओपन करके देख सकता है ये URL। अच्छा अब इसमें मैंने लिखा कि कराची, एंटर। अच्छा तो ये कराची आ गया। अच्छा ये थोड़ा सा चेंज हो गया, आपने क्या अपडेट किया? नहीं सर, थोड़ी देर लगती है। अच्छा वो लोड हो रहा था। अच्छा इनकी वेबसाइट थोड़ी सी हैवी है आतिफ उमर की, वो मैंने इनको सजेशन दिए हैं कुछ, वो इसको इम्प्रूव भी कर लेंगे। अच्छा कराची लिखा तो मैंने, ये कराची का वेदर आ गया। अब मैं अगर लाहौर लिखूंगा तो ये लाहौर का वेदर आ गया। वेल डन यार, इनकी ऐप की खास बात ये है इसमें मल्टीपल डेटा एक साथ आपको दिख रहा है। अगर मैं लिखता हूँ लंदन तो ये लंदन का भी डेटा आ गया, क्या बात है। अच्छा इसमें आतिफ उमर कौन सी API इस्तेमाल की आपने, वही जो मैंने बताई थी या कोई दूसरी? सर आपने जो बताई थी वही इस्तेमाल किया। अच्छा अच्छा ज़रा अपने बारे में बताएं आतिफ उमर, क्या बैकग्राउंड है आपका? सर मेरा बैकग्राउंड है सर कॉमर्स है, और मेरी जो बेसिक जॉब है पाकिस्तान आर्मी से हूँ। अच्छा अच्छा तो आपको पता ही था। अच्छा ये मुझे पता नहीं था, ये मैं समझा आपने किसी भाई भाई की लगाई हुई फोटो। नहीं सर मैं ही हूँ। अच्छा तो आप हाजिर सर्विस आर्मी में? आप जी जी सर ऑन ड्यूटी हूँ। वेल डन यार, क्या बात है। अच्छा और सर ये मैंने जो बनाया है आपकी मेहनत, आप जो सब ज्यादा गाइड करते जा रहे हैं उसको देखते देखते फोकस करते हुए फॉलो करते हुए आज इधर तक पहुंचा हूं। अच्छा वेल डन यार, आपकी गिटहब भी जरा खोल के देख लेते हैं हम। आतिफ उमर github.com/ और ये इनकी गिटहब आ गई। अच्छा आपने गिटहब में कोई कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं लगाया हुआ? और ऑफकोर्स जाहिर है आप तो इंटर्नशिप वगैरह पे आपको शायद कोई हायर नहीं कर पाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी हैं एक जगह जॉब में। तो वेल ये गिटहब मैंने आपको इनकी दिखा दी। अच्छा वैसे मेरी जो जितने भी क्लास में लोग मौजूद हैं सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ना अपनी गिटहब में अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दें ताकि कोई भी आपको अगर कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो जाहिर है आपका नाम तो पता है ना उनको, तो वहाँ पे आपका लिंक्डइन या कोई ईमेल एड्रेस या कोई फ़ोन नंबर ऐसा आपका लगा हो जिससे आपसे कोई भी कॉन्टैक्ट कर पाए। अच्छा अब हम अगला ये देखते हैं अब्दुल बासित अंसारी। अच्छा अब्दुल बासित अंसारी हमारे पास वो स्टूडेंट हैं, इन्होंने आज तक जितने भी असाइनमेंट्स बनाए हैं वो तकरीबन तमाम लोगों से बेहतर बना रहे होते हैं। और ये इनका जो अभी का असाइनमेंट है वो वेदर ऐप है ये, जैसे सब लोगों ने बनाया, लेकिन इनकी वेदर ऐप में खास बात ये है कि ये ऑटोमेटिकली लोकेशन डिटेक्ट करके, और ये देखें कराची का डेटा ये लेकर आ गया। अच्छा और मैं कहीं और का भी गेट कर सकता हूँ, अगर मैं लाहौर लिखूँ तो वो भी मुझे ये देगा गेट करके, ठीक है, लेकिन फौरी तौर पे ये क्या करता है आपकी लोकेशन डिटेक्ट करके आपको बता देता है। वेल डन यार अब्दुल बासित, आपके हम पिछले असाइनमेंट्स भी देखते रहे। मौजूद हैं अब्दुल बासित, मौजूद हैं क्लास में? अच्छा मेरा ख्याल है अब्दुल बासित जो है मौजूद नहीं है। अच्छा उसके बाद हमारे पास ये ताबिश अंसारी हैं, ताबिश अंसारी ने भी बड़ा अच्छा बनाया है, इन्होंने भी मल्टीपल जो है ना इसमें लगाया था। अच्छा यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ न्यूयॉर्क तो ये न्यूयॉर्क का वेदर आ गया हमारे पास, क्या बात है यार ज़बरदस्त। अच्छा और ये रिस्पॉन्सिव भी है 3 devices पे ताबिश, जैसा कि मैंने बताया था। Yes, क्या बात है। अच्छा मैंने इन सब लोगों को कहा था कि आप जो भी ऐप बनाएंगे जो भी असाइनमेंट्स बनाएंगे वो एटलीस्ट 3 devices पे रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, जो कि लैपटॉप है स्टैंडर्ड और टैबलेट और उसके अलावा मोबाइल मीडियम, तो ये 3 devices पे रिस्पॉन्सिव भी है इनका, क्या बात है। लेकिन इन्होंने छोटा सा नीचे वो भी लगाया है मेड बाई ताबिश। वेल डन यार ताबिश। अच्छा इनकी ज़रा गिटहब खोल के देखते हैं, github.com/ताबिश अंसारी। अच्छा ये इनकी गिटहब आ गई। अच्छा आपने कोई कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं लगाया हुआ गिटहब में ताबिश, ये लगा दीजिएगा ज़रा आप ताकि। अच्छा ये इनके गिटहब का URL है, और ये इनके जो है जो ऐप इन्होंने बनाई है उसका URL ये है, ठीक है जी। अच्छा
अब्दुल बासित, जरा अपने बारे में बताएं, ये आपने होस्ट कहाँ की है वेबसाइट, पहले तो जरा ये बताएं मुझे, ये जो हुई भी है, जो एड्रेस बना हुआ है, ये गिटहब पेजेस पे किया हुआ है आपने। अच्छा, मौजूद है क्लास में आप? ताबिश अंसारी, क्या आप मौजूद हैं क्लास में? अच्छा, मेरा ख्याल है। अच्छा, तो जरा अगर अपने बारे में कुछ बताएं ताकि लोगों को पता चले। सर, इससे पहले मैंने एक्टर से डिप्लोमा किया था फिल्म के अंदर, बट मैं वहाँ से सही समझ नहीं पाया था, तो अभी मैंने आपसे पढ़ना स्टार्ट करा। माशाल्लाह बहुत अच्छा समझ में आ रहा है आपका समझाने का अंदाज, प्रॉपर लेके चलना, हर चीज को एक्सप्लेन करना। अच्छा, वेल डन यार, इन्होंने एपटेक से भी पहले डिप्लोमा किया हुआ और अभी ये मुझसे पढ़ रहे हैं, और अच्छा, इन्होंने इनकी अच्छी प्रोग्रेस है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, एक हमारे पास उमैर इकबाल भी हैं, इन्होंने भी बनाया है, इन्होंने भी अच्छा सा बनाया है, इसको मैं ज़रा रिफ्रेश कर देता हूँ। क्या बात है यार, एनिमेशन भी इन्होंने अप्लाई की हुई है। अच्छा, कराची लिख के मैंने ये सर्च का बटन दबाया तो ये नीचे जो है ना लिखा हुआ आ गया सारा डेटा। अच्छा, उसके अलावा मैं कुछ और भी लिखता हूँ इसमें, लंदन एंटर, तो ये भाई लंदन का डेटा आ गया। अच्छा, वेल डन यार उमैर इकबाल, अच्छा बनाया आपने। ये इनका यूआरएल है, इसको कोई भी जाके ओपन करके खोल के देख सकता है, ये लाइव है ये भी। अच्छा, इनकी हम गिटहब भी खोल के देखते हैं ज़रा, कॉपी github.com/उमैर इकबाल। अच्छा, ये हमारे पास जी इनकी गिटहब आ गई है, वेल्ड एन यार, ज़बरदस्त। ये इनकी आप प्रोग्रेस देख सकते हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स बनाए जा रहे हैं माशाल्लाह ये। और ये वेदर ऐप है, इससे पहले की जो एप्लीकेशन हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं, आप जाके इनके तमाम असाइनमेंट्स और जो भी इन्होंने वर्क किया है वो आप देख सकते हैं जाके। अच्छा, उमैर इकबाल हैं, मौजूद हैं आप क्लास में? जी सर। अच्छा, वेल्ड एन यार, बड़ा अच्छा बनाया आपने, एनिमेशन आपकी जो बड़ी अच्छी लगी मुझे, ज़बरदस्त। तो ज़रा अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना करवाएं। सर, मेरा तो मतलब ये है कि मतलब शुरू से मुझे बेसिक्स आती थी बस HTML और CSS की, लेकिन फिर मैं आपके साथ मेरा कोर्स शुरू हुआ तो उसके बाद जो जावास्क्रिप्ट पे मेरी जो ग्रिप बनी वो बड़ी अच्छी बनी। CSS में भी मैं थोड़ा सा वीक था पहले से, लेकिन जब से फिर आपकी सेशंस लिए मैंने उसके बाद उस पर वर्क करा, आपका टाइम टू टाइम असाइनमेंट मिलना, उसको टाइम टू टाइम करना, तो इससे मेरी ये है कि ग्रिप अच्छी हो गई। अच्छा, और वैसे आप करते क्या हैं, आप क्या आप एजुकेशन वगैरह क्या जॉब वगैरह करते हैं? बस सर, अभी तो ये है कि एडमिशन लेना है बैचलर में। अच्छा, स्टूडेंट हैं आप माशाल्लाह? गुड, जी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जबरदस्त यार, तो आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या किसी और सब्जेक्ट के? नहीं सर, अभी मतलब एडमिशन लूंगा कंप्यूटर साइंस में, अभी लिया नहीं है, मेरा इंटरमीडिएट है अभी। अच्छा, इंटरमीडिएट आपने इंजीनियरिंग से किया हुआ और अभी आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेंगे, वेल यार, जबरदस्त। अच्छा, तो कोई आपको अगर हायर करना चाहे तो आपने गिटहब में कोई वो नहीं लगाया हुआ अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन? जी सर, मैं इसको अभी आज ही अपडेट कर दूंगा। ये लगा दीजिएगा, तो ये जितने भी गिटहब की प्रोफाइल्स मैंने आपको दिखाई हैं ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छे से असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए, जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी इन्होंने फुलफिल कर लिए। अच्छा, और भी लोगों ने बनाया है, हम वक्तन फवक्तन मजीद भी लाइव सेशन करते रहेंगे। ये वो सारे दूसरे लोग हैं जिन्होंने ये बनाकर सबमिट करवाया है, तो इनका भी मैं ये ज़रा URL एक दफ़ा ना वीडियो पर दिखा देता हूँ, तो आप अगर इन, हाँ बस यहीं तक, ठीक है, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने असाइनमेंट बना के सबमिट करवाया है। अच्छा, तो ये भी आप ओपन करेंगे तो ये सारे लिंक लाइव हैं, सब आप खोल के देख सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी, वक्तन फवक्तन हम इनकी प्रोग्रेस शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।